अगर बुआ मुझसे पूछती है कि मैंने सरला जी को जेल से क्यों निकाला तो मैं क्या कहूंगा? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सोचा, और भी ज्यादा सोचा, और मुझे लगा कि सरला जी ने कुछ नहीं किया, किसी और की गलती से सब कुछ हुआ, सब कुछ गड़बड़ किसी और की गलती से हुआ, और मैंने उनको जेल से निकाल दिया। अरे नहीं कर, अगर ऐसा बकवास रीजन देगा तो तेरी करीना बुआ पहले तो अपनी आंखों से आग के गोले बरसाएगी, उसके बाद अपनी शार्प बातों की मशीन गन से मेरा मर्डर कर देगी। तो फिर क्या बोलूंगा मैं? ओ नो, कहीं उस इंस्पेक्टर ने यह तो नहीं बताया कि मैंने उसे क्या बोला था, कि हमारे पास प्रूफ है कि सरला जी निर्दोष है। बुआ मुझसे उस प्रूफ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, जाने दे करा, ज्यादा मत सोच, अब जो होगा देखा जाएगा। घर जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ, जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा। करीना, फिर बात क्या है, क्यों बुलाया हम सबको? भैया ऋषभ को आने दीजिए। करीना बुआ, क्या हुआ, आपने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? और आप सब लोग इतना टेंस क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ? ऋषभ, तुम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हो? ये कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स करता हूँ, क्यों, क्या हुआ क्या? गुड, और थैंक यू, क्योंकि मैंने यही सवाल सबसे पूछा, भैया, मॉम, कृतिका, समीर, और सबका यही कहना है कि वो भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन करीना बुआ, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए तो यहाँ पे सबको नहीं बुलाया होगा ना? बात क्या है, कोई बताएगा? आप लोग सब लोग इतनी टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? भैया आप बताइए कि आज तक मैंने इस घर को लेके कोई गलत डिसीजन लिया है या फिर ऐसा कुछ किया है जिससे इस घर की शांति भंग हो? कैसी बात कर रही है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुझे अच्छे से याद है, जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो इस घर की जिम्मेदारी तुमने संभाली थी, बच्चों को तुमने संभाला था, बिजनेस तुमने संभाला, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? थैंक यू याद रखने के लिए, सुना तुमने? हाँ सुना, लेकिन आज प्रीता ने मेरे घर में आके बिना कुछ कहे मेरे परिवार वालों की और मेरी भाभी की बेइज्जती की, जब भाभी ने साफ साफ कहा था कि इस बार हम प्रीता और उसकी फैमिली की मदद नहीं करेंगे, और तुमने ऋषभ, तुमने भी एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनकी बात मानी, और ये देख के मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही प्रीता को पता चला तुम्हारी तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो उसने करण को अपना बौरा बनाया। सुन रहे हैं आप लोग, उसने करण को अपना बौरा बना लिया। पता नहीं करण को क्या पट्टी पढ़ा दी उसने, जरूर उसके पास कोई वशीकरण मंत्र होगा। जो करण ने वो कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो पुलिस स्टेशन गया मॉम, और उसने सरला के खिलाफ जो केस था ना, वो वापस ले लिया। लूथराज ने जो अरोरा के खिलाफ केस किया था वो एक लूथराज जाके वापस ले लेता है, कितनी शर्म की बात है। और ये सब प्रीता ने ही करण से करवाया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आज करण ने सिक्सर मारते हुए बैठ नहीं तोड़ी, इस घर की मर्यादा तोड़ी है, और ये सब सिर्फ वो प्रीता की वजह से। आप लोगों को नहीं लगता कि करण को एक बार हम में से किसी को पूछ लेना चाहिए था? मॉम, आपका, मेरा और भैया का क्या कोई हक नहीं बनता इस घर में? लूथराज हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन आज प्रीता और उसके परिवार की वजह से हमारी भाभी की क्या हालत हुई है, बेड रेस्ट पे है वो, क्या ऐसे में करण का ये स्टेप लेना ठीक था? बताइए मॉम, आप ही बताइए, करण को सवाल करने का मेरा हक है या नहीं? अगर आप कहोगे हक है तो ही बोलूंगी, नहीं तो मैं चुप ही रहूंगी। भैया आप हमेशा कहते रहते हो ना आप भाभी से इतना प्यार करते हो, तो अगर मैं करण को सवाल करूंगी तो क्या कुछ गलत होगा? क्या मेरा हक नहीं बनता? नहीं, मतलब परमिशन इसलिए मांग रही हूँ भैया, बिकॉज दिस टाइम मैं करण से बहुत अपसेट हूँ। जिस औरत की वजह से आज भाभी की ये हालत हुई है, आज ये लड़का उसी को रिहा करके ले आता है। जस्ट नॉट डन, आप बताइए हक नहीं बनता मेरा? किसने कहा तुम्हारा हक नहीं बनता? तुम्हारा पूरा हक है उससे पूछने का, और तुम पूछ सकती हो। क्या बात है दी? क्या, किस बात को लेकर इतनी परेशान हो? अब इसे क्या बताऊं, खामखा इसको भी टेंशन हो जाएगी। अब कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगता है करण सर के साथ फिर से तू-तू मैं हो गई दी की। फिर से आपने करण सर के साथ लड़ाई की ना, है ना?
मुझे समझ में नहीं आता कि आप करण सर के साथ लड़ते क्यों रहते हैं। इतने अच्छे इंसान है वो, ऐसे क्यों करते थे आप, मुझे बताओ जरा। क्या सृष्टि को बता दो कि हमारी कोई फाइट नहीं हुई? नहीं नहीं, होने देती हूँ इसे गलत फहमी, क्योंकि सच्चाई जानकर तो ये और भी परेशान हो जाएगी। दी हट जरा। अरे मुझे पता है दी, आपको ना आजकल लड़ाई करने में बहुत मजा आता है, और लड़ते भी तो किसके साथ? करण सर के साथ। यार मेरे करण सर इतने अच्छे, इतने क्यूट, इतने स्वीट, अच्छे इंसान है वो, सबकी हेल्प करते रहते हैं। इतना बड़ा एहसान किया है उन्होंने हम पर दी, मामा को जेल से बाहर निकाला है, आपको उनकी इंसानियत समझ में नहीं आती क्या? यू नो व्हाट, मुझे सब कहते हैं कि अरे तू बच्ची है, लेकिन सबसे बड़े बच्चे तो आप हो। आज भी झगड़ा कर लिया ना उनके साथ, यार जब तक आप सुनाते नहीं हो ना करण सर को, आपको चैन नहीं मिलता। आई एम सॉरी टू से दी, बट आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, और मैं आपसे बहुत अपसेट हूँ। फर्क ही फाइन, ओके मत बात करो। सृष्टि क्या मेरी करण से कोई लड़ाई नहीं हुई है, इनफैक्ट आई एम वरिड फॉर हिम। मुझे करण की चिंता हो रही है। आपको करण सर की चिंता हो रही है, क्यों क्या हो गया? पहले तो मुझसे प्रॉमिस कर, ये बात किसी को नहीं कहेगी। आई प्रॉमिस। माँ को सिर्फ इतना पता है कि खाना खराब होने में शर्लिन का हाथ है, और कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है मतलब शर्लिन ने और भी कुछ किया है क्या? तो क्या किया शर्लिन ने बताओ ना प्लीज। देख करण को हम पर थोड़ा सा विश्वास हो गया है, इसीलिए उसने आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद की, माँ को जेल से बाहर निकाला। लेकिन ये स्टेप उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उठाया है। उसके परिवार वाले अभी भी हमें ही गुनेगार मानते हैं। तो फिर करण सर ने आप पे ट्रस्ट कैसे किया? कह तो रहा था कि उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, जो भी किया है ऋषभ जी के लिए किया है उसने, अपने भाई के लिए। क्योंकि अगर शर्लिन इतनी खतरनाक लड़की है तो वो भी ऋषभ जी के फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट? तो आपको कब से ये बात परेशान कर रही थी कि करण सर अपने घर वालों को जाके क्या जवाब देंगे, राइट? मुझे तुझे शर्लिन के बारे में एक और बात बतानी है। क्या हुआ, आप सब लोग इतने साइलेंट जोन में क्यों? क्योंकि हम सब शॉक में हैं, और ये शॉक तुमने हमें दिया है करण। मैंने क्या शॉक दिया बोल? करण मुझे लगा था कि हम सब एक फैमिली के हैं, मगर तुमने तो उसके घर गई थी उससे बात करने। इनफैक्ट अभी उसके घर से ही आ रही हूँ। करण मैंने देखा कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था। डैड प्लीज कर, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, तूने हर्ट किया मुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? तुमने सिर्फ एक दिल ही दुखाया यहाँ, जब सब जो खड़े हैं ना, इन सबका दिल दुखाया। और किसके लिए करण? उस प्रीता के लिए। एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, प्रीता के लिए तुम्हारे वो फीलिंग्स एंड फ्रेंडशिप, या फिर तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हारे माँ के लिए और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के लिए? क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? राखी आंटी को कितना बुरा लगेगा, आज उनकी इतनी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में है, और किसकी वजह से? प्रीता की वजह से, और तुम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। शर्लिन इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। क्यों क्यों नहीं बोल सकती वो? तुम कुछ भी गलत करते रहो और शर्लिन बात भी नहीं कर सकती। करण ये मत भूलो कि शर्लिन इस घर की होने वाली बहू है, तुम्हारी बड़ी भाभी है, उससे इज्जत से बात करो। ऋषभ यार तू तो कुछ बोल यार, नथिंग मेजर हैपेंड। तुझे क्या लगता है करण, तुझे प्रीता से मुझसे ज्यादा हमदर्दी? मैं तेरे को लिख कर देता हूं कि जितनी तकलीफ मुझे उसकी प्रॉब्लम से हुई है ना, शायद ही किसी और को हुई होगी। मैं दोस्त हूं, जब वो हॉस्पिटल में रो रो के मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी ना, मुझे देखा नहीं जा रहा था, उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे मुझे, लेकिन मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। तकलीफ है मुझे इस बात की। आप सब लोगों को मालूम है ना कि प्रीता ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरला जी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी माँ समान समझता हूँ उनको, लेकिन फिर भी मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया करण। तू जानता है क्यों? क्योंकि हमारी मॉम ने मना किया था, हमारे परिवार ने मना किया था। करण हमारे परिवार के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, जो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई और फॉलो नहीं करेगा। घर का बड़ा बेटा होने के नाते जो मेरा फर्ज है वही तेरा फर्ज है करण, और तूने वो नहीं निभाया। देखिए मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझसे अपसेट हैं, लेकिन प्लीज करण,
दिस टाइम नो एक्सक्यूजेस। माना कि तुम्हें बहुत बचपना है, लेकिन इस बार इस गलती की माफी नहीं दे सकते तुम्हें। इस बार तो तूने हम सबके पीठ पे वार किया है। अदीप, करण पुत्र, फैमिली सबसे पहले होती है। पुत्र, तूने अच्छा नहीं किया। सबने इसको बुरी तरह डांट दिया है, यही सही वक्त है मेरा आखिरी वार करने का। करण, अगर तुम्हारे दिल में जरा से भी इज्जत, उसे अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो इसी वक्त लौट जाओ और जाके हमारी कंप्लेन फिर से रजिस्टर करा दो। उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाके उस सरला जी को अरेस्ट करवा दो। और इस बार एक और चार्ज लगेगा, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज। जिंदगी भर जेल में सरनी चाहिए वो औरत। अरिति, बताओ ना, आप क्या बताने वाले थे शरण के बारे में? यार प्लीज ऐसा सस्पेंस क्रिएट मत करो यार, प्लीज मेरा पेट दुखेगा। कुछ नहीं, मैं ये बोलने वाली थी कि शर्लिन एक बहुत ही चालाक और खतरनाक लड़की है, और उसने ना करीना बुआ को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है अपनी चमक दमक दिखाकर। वो लड़की अच्छाई का ऐसा मुखौटा पहने हुए कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दी, ये करीना मैम को ना शर्लिन ने चमक दमक दिखाकर ऐसा इम्प्रेस किया है कि वो तो हमारी कभी साइड लेंगी ही नहीं, वो तो उसी की साइड लेगी। और वैसे भी करीना मैम कहाँ हम पर विश्वास करती है। और वैसे भी करीना मैम को ना वो है, वो क्या कहते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और करीना बुआ करण को भी इस बात के लिए बख्शेंगी नहीं, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर हमारी माँ को रिहा करवाया। इस वक्त तो वो गुस्से में लाल पीली हो रही होंगी उसके ऊपर। अरे यार, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, करे तो करे क्या दी। ओके, चल चलो, लेट्स गो, कम। कहाँ? अरे बता तो सही, कहाँ लेट्स गो? अरे करण सर ने हमारी हेल्प की है ना दी, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि उनके मुश्किल वक्त में हम उनकी हेल्प करें। नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, we need to stay put. अरे कुछ नहीं कर सकते मतलब, करण सर ने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर हमारी हेल्प की और हम उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। और आप अपनी बात देख लो, मम्मा ने आपसे क्या कहा था कि प्रज्ञा दी को पता नहीं चलना चाहिए, उनसे हेल्प नहीं लेना। आप इतना रोई, गिड़गिड़ाई, हेल्प मांगी सबसे, लेकिन क्या आपने प्रज्ञा दी को फोन किया? नहीं। क्या आपने उनसे हेल्प मांगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी मम्मा ने कहा था कि बेटा उसको फोन मत करना। वैसे ही करण सर को उनकी मम्मा ने कहा था कि इनकी हेल्प नहीं करना, लेकिन फिर भी करण सर ने हमारी हेल्प की सबके खिलाफ जाकर। यार दी, आजकल दुनिया में ऐसे लड़के नहीं मिलते हैं, और चाहे उन्होंने रीजन कुछ भी दिया हो कि उन्हें अपने भाई की हेल्प करना है या शर्लिन जैसी लड़की की अपने भाई के साथ शादी नहीं करने देनी है, रीजन चाहे जो भी हो दी, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि करण सर ने सबसे पहले आप पर भरोसा किया। दी, आप मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? क्योंकि आज तो मैं सबको सच्चाई बता के ही दम लूंगी। नहीं आना? ठीक है, फाइन। सृष्टि, करण ने खुद कहा है कि वो ये मैटर अकेले हैंडल करना चाहता है, तो एक बार उसे पहले अकेले हैंडल करने दो, फिर देखेंगे। नहीं 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 नहीं, करण सर करीना मैम और शर्लिन को अकेले हैंडल नहीं कर सकते। और वैसे भी ये करीना मैम इतनी खड़ूस है ना कि उन्हें खुश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये काम भी शर्लिन ने बखूबी से निभा दिया है। लेकिन करीना मैम ये नहीं जानते कि वो शर्लिन को सपोर्ट करके ना बहुत बड़ी मुश्किल को दावत दे रही है। सोचो यार, जो लड़की आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए खुद की एंगेजमेंट खराब कर सकती है, खाने में जहर डाल के लोगों को अस्पताल तक पहुंचा सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। साइकोटिक केस है वो, साइको। दी, आपको तो पता है बाकी सब लूथरा फैमिली के मेंबर्स कितने अच्छे हैं। अगर हम उनके सच्चे वेलविशर हैं ना दी, तो हमें शर्लिन की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, और उसका बस एक ही तरीका है, हमें वो सबूत सबको दिखाना होगा। हाँ करण, शर्लिन जो कह रही है तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा और दोबारा रिपोर्ट लिखानी होगी। ऐसे करने से ही तुम साबित कर दोगे कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है, और जो भी तुमने किया वो जल्दबाजी में किया। अपनी गलती सुधारोगे तो ही हम सब तुम्हें माफ करेंगे। लेकिन मैंने माफी मांगी कहाँ? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा। और बुआ, एक बात और, मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ, उन्हें कितना चाहता हूँ, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। सबको पता है कि मैं कैसा हूँ। और शर्लिन, एक बात बात कर, तुमने जो कुछ भी बोला ना, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी कंप्लेंट दोबारा दायर नहीं करूँगा, और सरला जी को जेल में दोबारा नहीं डालूंगा।
मैंने प्रीता को प्रॉमिस किया। And that's fine. करण, मैं प्रीता नहीं, उसकी माँ के खिलाफ। और मैं चाहता हूँ कि सरला अरोड़ा को तुम उसी जगह पहुँचाओ जहाँ उसे होना चाहिए। नहीं डैड, ये आप नहीं बोल रहे और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इनफैक्ट ये तो कोई और चाहता है। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ ये? ऐसा नहीं कहा। लगता तो ऐसा ही है। देख रही हूँ मैं करण, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश नहीं आ रहे हो। ऋषभ ने भी प्रीता की बहुत बार मदद की है, हम दोनों की सोच बहुत बार नहीं मिली है, लेकिन इस तरह रूडली उसने कभी बात नहीं की। कर तुम बड़ों के सामने कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगे हो। उस प्रीता ने जरूर तुम पे कुछ जादू कर रखा है। She is brainwashed you. करन बस, वो मेरी बहन है, तुम्हारी बुआ है। मैं तुम्हें उनकी और इंसल्ट नहीं करने दूंगा। करन, फैमिली, रिलैक्स। करन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनफैक्ट पूरी फैमिली चाहती है कि तुम वापस आके कंप्लेन करो। इस ज़िप के पीछे तुम्हारी असली वजह क्या है? आज तुम्हारी मॉम, जिनकी तबीयत इतनी खराब है वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, तुम्हारे भाई का इतनी बड़ी एंगेजमेंट वो बर्बाद हो गई, तुम्हारी भाभी का सपना वो टूट गया, हमारे सारे मेहमान, यू जस्ट डोंट केयर। आखिर वजह क्या है करण? वजह ये है कि राखी? नहीं जी, आप आज वहीं रुकिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। मेरे बेटे ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन आप लोग तो उसे घेर कर ऐसे डांट रहे हैं जैसे उसने कोई पाप कर लिया। उसने कुछ नहीं किया। पुलिस केस वापस लेने का फैसला मेरा था। सरला जी को जेल से बाहर निकालने का फैसला भी मेरा था। और मैंने ये काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी मेरे करण को, जो उसने बेखूबी निभाई, तो उसमें हर्जी क्या है? आप सब लोग उसे डांट क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? उसने क्या कर दिया? लेकिन राखी जी, आप ही ने तो कहा था कि भैया एक मिनट, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि भाभी प्रीता से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। आज भाभी की तबीयत ठीक होगी तो बस भाभी ने प्रीता को माफ कर दिया, लेकिन जब सब मेहमानों की तबीयत खराब थी तो आप भी तो परेशान हुई थी, am I right? और मेरे बारे में सोचिए आंटी, उस प्रीता की वजह से मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बर्बाद हो गया, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। शलिन एक मिनट पुत्र, तुम्हारी जानकारी के लिए एक और तुम्हें सच्चाई बता दूं कि अगर प्रीता नहीं होती ना तो तुम्हारा ये यादगार फंक्शन भी आज नहीं होता। ये भी सुन ले पुत्र, पिछले 3 साल से हम सब घर वाले ऋषभ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी कर ले पुत्र, शादी कर ले। ऋषभ ने किसी की नहीं मानी, न दादी जी की, न अपने पापा की, न मेरी। अगर किसी की मानी तो वो प्रीता की मानी। प्रीता के समझाने पे ऋषभ शादी करने के लिए तैयार हो गया पुत्र, और तुम उसी लड़की को दोष दे रही हो। लेकिन भाभी, जो इतने लोगों के सामने हमें बेइज्जत होना पड़ा उसका क्या? दीदी आप कहना क्या चाहती है, कि आपके सुपरविजन में हमारे फैमिली का कोई भी फंक्शन कभी खराब नहीं हुआ? क्या आपके इंचार्ज होते हुए हमें कभी अपने गेस्ट के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा? शायद आप ये भूल रही हैं, आपको याद है जब महेश जी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी थी तब तो आप केक मंगाना ही भूल गई थी, याद है ना आपको? पूरी पार्टी फ्लॉप हो गई थी। और कृतिका के शादी के पहले जब लड़के वाले कृतिका को देखने आने वाले थे तब आपने कैंडल लाइट डेकोरेशन की थी और वो कैंडल गिर गया और उस फंक्शन में आग लग गई। फिर हमें मजबूरी में आके उस वेडिंग प्लानर को हायर करना पड़ा ताकि हमें अपने गेस्ट के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो, याद है ना आपको? या आप भूल गए? लेकिन दीदी आप बात को खामखा आगे बढ़ा रही हैं। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे प्रीता, उसकी मम्मी जी, उसका परिवार कोई पेशेवर मुजरिम हो। अगर ऐसी बात होती दीदी तो हम भी तो ये कह सकते थे ना कि उस दिन जो पार्टी में आग लगी वो आपने जानबूझ के लगाई अपने परिवार को खत्म कर देने के लिए। भाभी,
इनफ इज इनफ। आई एम सॉरी दीदी, मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहती थी, मजबूरी में आके कहना पड़ा क्योंकि आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। उस दिन पार्टी में जो आग लगी उसमें आपका कोई कसूर नहीं था, वो तो उस बच्चे के पैर लगने से कैंडल गिर गई और आग लग गई, उसमें आपका कोई दोष नहीं था, आप निर्दोष थे। उसी तरह इस पूरे मामले में प्रीता, उसकी मम्मी जी या उसके परिवार का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, तो हम उनको किस बात की सजा दें? बताइए दीदी, हम क्यों उनको कसूरवार बनाएं? महेश जी, मम्मी जी, मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले को यहीं पे खत्म कर दीजिए, प्रीता और सृष्टि को इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए, उनकी मौजूदगी इस घर के लिए शुभ है मम्मी जी, वो दोनों होते हैं ना तो घर का माहौल भी बड़ा चंगा रहता है जी।